Hey guys, welcome to back my YouTube channel। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके जानकारी के बिना गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी बन जाता है, जो कि अगर इससे एक यूट्यूबर के लिए, एक ब्लॉगर के लिए काफी ज्यादा परेशानी होती है, जो कि एक नाम से ऑलरेडी अगर गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर बन जाता है, अगर आप बाद में उसको अंडर रिव्यू में भेजते होंगे अगर मोनेटाइज के लिए, तो आपका चैनल वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्यों कर दिया, क्योंकि आपका ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए इसी की वजह से जो कि आपका गूगल एडसेंस वहाँ पर अप्रूवल नहीं हो पाता है। तो कैसे चेकआउट कीजिएगा अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, तो कैसे आप उस चीज को देखिएगा कि ऑलरेडी मेरा पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ कि अगर मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है तो कैसे आप इस चीज को देखिएगा, कहाँ से निकालिएगा कि अगर मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए मैं सारी चीज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए तो मेरा नाम है अमर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो का जो लाइक है, चैनल को नहीं है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ले चलते आपको मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो चलिए सबसे पहले आपको फोन का सेटिंग को ओपन करना है। चलिए मैं फोन का सेटिंग को ओपन करता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मेरा फोन सेटिंग ओपन करने का। दोस्तों आपको नीचे स्लाइड करते हुए लेना है, अब यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर आपको देखने को मिले जो भी है गूगल, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है गूगल वाला ऑप्शन। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आपने कभी भी किसी के तरीके से अगर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किए होंगे, तो उस जीमेल आईडी को या फिर जो भी जीमेल आईडी है आपके पास, उसी जीमेल आईडी को आप यहाँ पर मैनेज अकाउंट पर क्लिक करके अपने पासवर्ड जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे मैनेज वाले अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इधर स्लाइस करते हुए आना, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है ना। तो इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पे पेमेंट मेथड, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट मेथड, जो कि आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है पेमेंट मेथड। तो इस पेमेंट मेथड के ऊपर आपको क्लिक करना, चलिए मैं इस वाले पेमेंट मेथड के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने का कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ पूरी तरह से। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंडेक्स पर देखने को मिला है, जो कि आपको एडसेंस अकाउंट, जो कि मेरा यहाँ पर देखने को मिला है एडसेंस, मेरा जो है पेमेंट वाला एडसेंस है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो प्रमोट किए थे उसके लिए नंबर दिखा रहा है रुपये का, जो कि मैं अपने एटीएम कार्ड से यहाँ पर रुपये दिए से पेमेंट किए थे, उसी का ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास और भी अगर एडसेंस अकाउंट है, इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जाना है थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस थ्री लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना, जैसे आप थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए हम सब्सक्रिप्शन एंड सर्विस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एंड सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप सब्सक्रिप्शन एंड सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडसेंस, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो दो एम एरा एडसेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये गूगल ऐड है, ठीक है ना, ये ऐड के लिए, जो कि मैं यहाँ पर पैसा लगा चुका हूँ 500 रुपये पर एक वीडियो को प्रमोट किया था, उसी के चक्कर में ये एक एडसेंस अकाउंट बना था। ये एडसेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, वो प्रमोट के लिए अकाउंट बनता है, ठीक है ना, एड्स के लिए आपको यहाँ का देखने को मिल रहा है। और ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है मेरा, ये फर्स्ट वाला जो आपको दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये मेरा जो ये वाला जो अकाउंट है, ये मेरा एक्चुअल में वो यूट्यूब के लिए, खास करके मैं अगर आप कभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज के लिए अप्रूव होगा, उस समय मैं इस एडसेंस अकाउंट को जो मैं अपने उस जीमेल के साथ ऐड कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने YouTube चैनल के साथ या किसी के, जो जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कीजिए, तो आपको पूछा जाएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट पहले से है या नहीं है। अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, हाँ मेरे पास पहले से अकाउंट है, तो आपको एडसेंस अकाउंट का ये नंबर दे देना है, और वहाँ पर हाँ करके अप्लाई कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। उसके बाद जो मोनेटाइज अप्लाई हो जाएगा, तो जो कुछ भी आपका अर्निंग होगा, जो कि रिलेटेड होगा, सारी चीज़ आपको इसी एडसेंस के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि ये मेरा एडसेंस अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर $100 का, जो कि सारे लोगों देखने को, जो मेरा अभी तक भी मेरा एक रुपया भी यहाँ पर अर्निंग नहीं हुआ, जो कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत मैं एडसेंस जो नंबर थोड़ा बहुत हाइड किया हूँ, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, बाकी जो अर्निंग्स की बात हो तो 00 आपको देखने को मिल रहा है, $100 सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि जो सब कुछ है ये सब, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को आपको देख कर बहुत ही अच्छा लगा, कि आपका अगर एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप कैसे चेक कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेगा हमेशा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।